आमिलिया पुलिस अवैध कफ सिरप के कारोबार इनका ही बुलेरो सहित धर दबोचिस। बीती रात पुलिस का ही सूचना मिला थी कि झारखंड पासिंग बुलेरो क्रमांक JH01AK3331 में ही कुछ लोग अवैध रूप से बिक्री करे खातिर कोडीन फास्फेट जौन के अवैध नशीली कफ सिरप है जौन का बेचे खातिर अमिलिया का यह बुलेरो क्रमांक जाय रही है। मिली सूचना के आधार पर हनमना तरफ से आवत बुलेरो क्रमांक JH01AK3331 का ही रुकवाई के तलाशी लीन गए और जब उखर तलाशी लीन गए तो वहाँ अवैध रूप से ही नशीली कफ सिरप बरामद कीन गए। बतावा गया कि बुलेरो के बीच में बैठे दो युवक जब दिखे इनके गाड़ी रुकल लागी वह तब बटका खोल के कूद के ही अंधेरे के फायदा उठाए के फरार हो गए। लेकिन पवन शुक्ला पिता विनोद शुक्ला उम्र 30 वर्ष निवासी देवसर थाना देवसर जिला सिंगरौली तथा निखिल पांडे पिता जमुना प्रसाद पांडे उम्र 25 वर्ष निवासी चंदवाही थाना बाहरी जिला सीधी का पुलिस अपने कब्जे में लेके ही जब बुलेरो के तलाशी लीन गए तब बुलेरो में ही 8 पेटी नशीली कफ सिरप बरामद भय जौने की कीमत तकरीबन 2,10,000 रुपया तथा वाहन क्रमांक JH01AK3331 का ही जौने की कीमत 5,00,000 रुपया है दोनों का जब्त कई लीनगा और आरोपी का गिरफ्तार करके पूछताछ की जाए लाग। पूछताछ में ही आरोपी द्वारा बतावा गया कि हम दोनों साथी अपने अभिषेक सिंह चंदेल निवासी गजरहा थाना बाहरी एवं अतुल पांडे पिता जमुना प्रसाद पांडे निवासी चंदवाही थाना बाहरी मिलके धंधा करा थे मैं एवं आर्थिक लाभ कमाए खातिर UP MP से यह नशीली कफ सिरप ले आए के ही और यहाँ बेचा थे मैं मामले में ही जो अंधेरे के फायदा उठाए के भागे रहे हैं अतुल पांडे निवासी चंदवाही अभिषेक सिंह चंदेल थाना बाहरी गया ही जो कहीं बुलेरो रुकते फरार रहे हैं। उक्त आरोपी के खिलाफ NDPS के धारा 8/21/22 एवं मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल की धारा 5/133 के तहत अपराध पंजीबद्ध कई के ही और गिरफ्तार शुदा आरोपी का ही आज न्यायालय में पेश किया गया है। संपूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी अमिलिया उप निरीक्षक केदार परौहा सहायक उप निरीक्षक चंद्रमणि पांडे प्रधान आरक्षक रावेन्द्र सिंह पुष्पेंद्र सिंह पवन सिंह आरक्षक संदीप चतुर्वेदी प्रभात तिवारी श्यामलाल महेंद्र तिवारी के ही या कार्यवाही में ही अहम भूमिका रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंच देखत रहन बाणभट्ट टाइम्स वहीं बघेली संवाद। जय हिंद जय विंध्य।